आज मैं आपके साथ में ऐसी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो फटाफट से आप अपने घर पे बनाओगे और जब खाओगे तो आपको आएगा बहुत ही मज़ा। आज की रेसिपी है वेज बिरयानी। ये देखिए बिरयानी हमारी बिल्कुल बनके तैयार। आज की जो बिरयानी है आपने देखा होगा अलग अलग चैनल में अलग अलग तरीके से अलग अलग शेफ उसको बनाने का अलग अलग तरीका दिखाते हैं, लेकिन जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आज की वेज बिरयानी बहुत ही सरल और इजी तरीका है। न राइस को अलग से सोख करके रखना ना कुछ, जो भी तरीका है मैं भी आपने क्या करना है कि वीडियो को देखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक और फिर बनानी है अपने घर पे ये वाली वेज बिरयानी। साथ में देंगे इसके वेज रायता और पुदीने धनिए की चटनी। बिरयानी आएगी आपको बहुत ही पसंद और आप भी बोलोगे वाह। तो वीडियो को देख के बनाएं ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये बिरयानी आपको कैसे लगी। तो लेट्स करते हैं बनाना स्टार्ट। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए कुछ सब्जियाँ। सब्जियाँ में आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। मैंने लिए बीन्स है, मटर हैं, गाजर हैं, फूलगोभी है और ये थोड़ा सा पनीर है और ये हरी मिर्ची, साथ में धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता, ये थोड़ा वेज ग्रेवी, टमाटो ग्रेवी, चॉप मसाला, फ्राई किया प्याज। और ये देखिए अब एक पैन के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल के, थोड़ा सा जीरा उसके अंदर जाने देंगे। जैसे जीरा चटकने लग जाए फिर कटी हुई अदरक लहसुन और हरी मिर्ची इसके अंदर जाने देंगे। ऐसे क्या करेंगे अच्छे से हमने भून देना है, जैसे इसमें अच्छा सा कलर आ जाए फिर ऐड करें इसके अंदर सब्जियाँ। बिरयानी के लिए 2 पार्ट होते हैं, एक होती है वेजिटेबल और दूसरा है राइस। राइस हमारे पास भी पहले से कुकड ये वेजिटेबल हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। जैसे हमारी अदरक लहसुन थोड़ा कलर आ जाए इसमें, इस वेजिटेबल को क्या करेंगे कि हमने इसके साथ में थोड़ा देर भून लेना है बढ़िया से, ताकि सारी सब्जियां अच्छे से भून जाएं। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चॉप मसाला, 2 चम्मच वेज ग्रेवी और ये 2 चम्मच टमाटो ग्रेवी। आप चाहें तो कच्ची प्याज और टमाटर को भी काट के इसके साथ में सौते करके बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से चॉप मसाला था। अगर आपने इसमें ग्रेवियाँ नहीं यूज करनी तो आप बिना ग्रेवी के भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे कुकड होने देंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो जो सब्जियाँ और ग्रेवी मैंने इसमें ऐड किए सारी अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाएं। अब यहाँ पर धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, ये थोड़ा सा कसूरी मेथी और ये नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा देगी मिर्ची, सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए और अब आप कलर देखिए सब्जियों का कितना बढ़िया कलर आ रहा है। ये जो वेज बिरयानी है आप बड़े आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। 2 चम्मच में इसमें ऐड करूँगा दही के और ये जो कटा हुआ पनीर था वो भी इसके अंदर जाने देंगे। ये पुदीने की पत्तियाँ और हरी मिर्ची ये भी हमने इसके अंदर जाने दी, थोड़ा कटी बारीक अदरक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर कुकड होने देंगे 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए सब्जियों का आप कलर देखिए कितना बढ़िया कलर है इसके अंदर आ रहा है, जिसकी इस टाइम खुशबू आ रही है एकदम बढ़िया वाली खुशबू। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे फिर कुकड होने देंगे 1 से 2 मिनट। अब आप देख रहे हैं सब्जियां हमारी अच्छे से कुकड हो रही हैं और ये जो राइस मेरे पास पहले से ही रेडी है, अब आप देखेंगे राइस के अंदर लाल लाल क्या दिख रही है। ये जो लाल लाल कलर है ये कलर नहीं, इसमें हमने डाले बीट रूट को घिस के, ताकि एक बढ़िया सा टेस्ट आए और बढ़िया कलर भी आए। येलो कलर इसके अंदर ये है सैफ्रॉन का। अब सारी राइस को हमने इसके ऊपर लेयर इस लेयर के हिसाब से ऊपर से सेट कर देंगे। इस राइस को हमने गरम मसालों के साथ में पहले कुकड किया हुआ है, जो आप अक्सर चैनलों में देखते हैं कि मसालों के साथ में राइस को पकाया जाता है फिर मसालों की खुशबू इसमें आ जाती है। अब देखिए हमने इसको बिल्कुल सेट कर दिया यहाँ पर, नीचे सब्जी और ऊपर से राइस। अब आप देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं राइस हमारे। थोड़ा सा फ्राई की प्याज इसके ऊपर से डाल देते हैं जिसे कहते हैं बरिस्ता, और ये हरी धनिया बारीक कटी हुई ऊपर से, अरे थोड़ा सा सेफ्रॉन का पानी यानी केसर का पानी भी इसमें डाल देंगे, ये केवड़ा वाटर इसके ऊपर थोड़ा सा ताकि बढ़िया खुशबू आए, और 2 चम्मच देसी घी के। अब इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया यहाँ पे इलायची का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ताकि बढ़िया सी खुशबू और बढ़िया सा फ्लेवर आए, थोड़ा पानी की छींटे डाल देंगे इसके ऊपर और उसके बाद कर देंगे इसे ढक्कन से बंद 4 मिनट तक। हमने बिल्कुल स्लो आंच पे पकाना है। अब ये देखिए 4 मिनट के बाद देखते हैं हमारी बिरयानी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। एक अच्छा सा दम भी इसके अंदर आ गया, इसके हमारा एक एक राइस का दाना अलग होगा, सब्जी अलग होगी। ये देखिए कलर देखिए,
कितना बढ़िया कलर इसके अंदर आया, रेडिश येलोनेस, ये रेडिश भी आप इसे नहीं कह सकते, ये जो बीटरूट यानी चुकंदर का कलर होता है वो वाला कलर है। और बिरयानी को मिक्स करके देखेंगे, वाह कितनी बढ़िया कलर के साथ में हमारी आज की वेजिटेबल बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, बिरयानी को करेंगे गर्मा गर्म एक बाउल के अंदर में शर्व। ये देखें बिरयानी का कलर देखिए, राइस का एक एक दाना देखिए, बिरयानी का जो कलर है ना इतना बढ़िया कलर आ रखा, वाह। इसमें जो सेफ्रॉन हमने डाला था, जो बीटरूट को हमने इसके अंदर घिस के डाला वाला था सर, उसका एक अपना ही स्वाद और एक बढ़िया सा कलर इसके अंदर दिख रहा है। आप भी देख रहे हैं जो बिरयानी बिल्कुल कम समय में और फटाफट बनने वाली डिश है, ये नहीं कि भिगाओ फिर से दम लगाओ, हमने बड़ी जल्दी से तैयार किया है। थोड़ा सा ऊपर से घिस देंगे पनीर और एक फ्राइड ऑनियन घिस के कर देंगे गार्निश इसके ऊपर से। ये देखिए आप देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा फ्राई किए हुए काजू, और बिरयानी का आप कलर देखो, कटी हुई बारीक धनिया से कर देंगे गार्निश, एक पुदीने की पत्ती के साथ में ऊपर से गार्निश कर देंगे, और एक कटी हुई बारीक जुलियन हमारे पास यहाँ पे अदरक के लच्छे, अदरक के छल्ले। और आज की बेहतरीन रेसिपी वेज बिरयानी बिल्कुल आपके सामने, देखे कितनी सुंदर लाजवाब दिखने में, साथ में दिया हमने इसके वेजिटेबल रायता और धनिया और पुदीने की चटनी, साथ में दो प्याज की स्लाइस, हरी मिर्ची और नींबू का एक पीस। तो एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर रेसिपी आज आपके सामने बन के बिल्कुल होगी तैयार। तो ये देखे बिरयानी आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अगर आप इस बिरयानी को बनाना चाहते हो अपने घर पे तो वीडियो को देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, और बनाएं बहुत ही इजी तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से। ना तो आपको स्विगी या जोमेटो में ऑर्डर करके बिरयानी मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस बिरयानी को बनाओगे अपने घर पे। तो अगर आपको हमारी आज की बेहतरीन रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू सो मच, आपका दोस्त राज पुंडी, टेक केयर।